सो गाइज आज व्लॉग शुरू कर रहे हैं रोड साइड से एंड अभी जा रहे हैं दशहरा देखने। आज है दशहरा, तो जो रावण दहन होगा उसे देखने जाएंगे, तो आप सबको वो दिखाएंगे। तो करते हैं शुरुआत आज के व्लॉग की। सो हे व्हाट्स अप गाइज, यू आर वॉचिंग RC17 व्लॉग्स। नेक्स्ट डे यानी कल रात को रावण का दहन देख के आए, उसके बाद लेट हो गया था, तो व्लॉग को अब कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज अंधेरा काफ़ी हो चुका था। एंड फिलहाल मैं ये सोच रहा था बैठा कि ये जो परंपरा है रावण दहन की, या जो भी हम दीपावली के ऊपर जो क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं, जो पटाखे चलाते हैं, तो क्या ये सही है? मेरे को तो किसी माइंड में सही नहीं लगता, बिकॉज मैंने एक छोटा सा एक चीज़ देखा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम चेक करते हैं इंडिया में ओवरऑल कितनी तहसीलें हैं। तो यहाँ पे जाके हमें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, तो इनमें देखने के बाद पता चलता है ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग तहसीलें, सब डिस्ट्रिक्ट सारे आ चुके हैं, यानी जितने भी मेजर शहर हैं इंडिया के वो आ चुके हैं। तो टोटल है देखिए 5,464। तो एक बेसिक सी मैं आपको बताता हूँ कि जब रावण दहन होता है तो ऑलमोस्ट हर शहर में 3 पुतले जलाए जाते हैं। सो ये हमारा फिगर निकल के आया जो इसे हम लगा लेते हैं, 5,464 × 3, ठीक है। टोटल रिजल्ट निकल के आता है 16,392। तो मुझे आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि 16,392 रावण अगर एक साथ पूरे इंडिया के अंदर जलाए जाएंगे तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। माना कि ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई एक परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं काफी सालों से, लेकिन ये वाला जो मैंने आपको डेटा दिखाया वो सिर्फ शहरों का है। इसके अलावा लोग गांवों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर और पर्सनली अपने घर पे भी रावण बनाते हैं, दो दो तीन तीन या एक एक, तो लगभग ऑलमोस्ट काफी सारे लोग बनाते हैं। एंड बात करते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों की, तो वहां पे तो एक नहीं, मैंने 3 रावण लेके चले हैं एक शहर के, कई शहरों में तो 3-3 4-4 जगह रावण जलाए जाते हैं। तो काफ़ी ये बड़ा फिगर निकल के आया है। तो गाइज, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यानी हमारी धरती को बचाने के लिए अगर हम इस चीज़ को बैन करते हैं तो ये, या फिर हम इसे कम कर देते हैं किसी हद तक, तो काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ेगा इसे हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। आपने देखा होगा जब भी हम ATM के अंदर जाते हैं, हमें वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है कि अगर आप स्लिप प्रिंट नहीं करेंगे तो उसे अर्थ सेव करेंगे आप, यानी उसके अंदर आपका योगदान रहेगा। और वही चीज़ आप अगर ध्यान से, अगर गौर से देखेंगे तो हर ATM के अंदर 2-2, 3-3 AC चल रहे होते हैं 24/7। वो अर्थ बचा रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो अपने राय जो है जितने भी इस टॉपिक के ऊपर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वरना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, तो आप कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं कि इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या किस हद तक इसे कम किया जाना चाहिए, जिससे कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उन्हें कम किया जा सके, ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ कर जाएं। तो फिलहाल फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो लोग अपने बिजनेस के अंदर नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स लेते हैं, तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लेने जा रहे हैं एक नया ट्राईपॉड, बिकॉज इससे पहले जो मैं वीडियो शूट कर रहा था वो एक सेल्फी स्टिक की हेल्प से कर रहा था। एक बार मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, अभी उसी के ऊपर माउंट है मेरा फ़ोन, ये वाला सेल्फी स्टिक है। और इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ये आ रही थी कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 व्लॉग से उनमें काफ़ी सारे शेक होता है वीडियो, यानी कैमरा हिलता है, तो उसका रीज़न है कि ये ढीला हो चुका है, ये इस तरीके से ये हिलता है, वेट को अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ एक अच्छे ट्राईपॉड के ऊपर इन्वेस्ट करूँ।
एंड अभी फिलहाल मैं उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था एंड देख रहा था कौन सा अपने बजट के अंदर फिक्स होता है और कौन से ट्राइपॉड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। एंड इसके अलावा मैंने एक और पैकेज ऑर्डर किया हुआ है, 3 तारीख को ऑर्डर किया था मैंने। जैसे ही वो घर पे डिलीवर होता है मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या मंगवाया और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ। 6 फीट बड़ा बॉक्स आएगा हमारे घर पे जिसके अंदर वो प्रोडक्ट होगा, उसे अनबॉक्स करेंगे। अगर इस संडे से पहले आ जाता है या संडे को सुबह मॉर्निंग तक आ जाता है तो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूंगा उसको, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि क्या मैंने मंगवाया है। मैंने आज तक जो भी अनबॉक्सिंग किए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं ऑनलाइन, उनमें उसका साइज सबसे ह्यूज है, सबसे बड़ा आज तक का वही रहने वाला है प्रोडक्ट। एंड आप जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूं उनमें से कुछ मंगवाना चाहते हैं, ये वाला माइक आपको पसंद है, ये आप मंगवाना चाहते हैं, तो इनके जो लिंक्स हैं बेस्ट बाय लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से आप डिस्काउंटेड रेट के अंदर इन्हें इजीली परचेज कर पाएंगे Amazon से। सो गाइज, इन सब के बाद फिर मैं गया गंगानगर मूवी देखने के लिए PVR में। वहाँ पे मेरा कज़न आया हुआ था, उसके साथ मैंने वॉर मूवी देखी, तो उसका क्लिपिंग ऐड कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद शाम को 6 बजे मैं आया घर पे, उसके बाद मैं जिम गया। जिम से जस्ट आते ही यहाँ मेरे घर से थोड़ी दूरी पे एक काफ़ी फेमस मंदिर है, जैसे कि सालासर के अंदर है हनुमान जी का टेंपल है जो काफ़ी फेमस है, उसी तरह यहाँ पे भी ये चांदना धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मेला लगा हुआ था रात को, तो वहाँ पे गया, काफ़ी रश था, इतना भीड़ था वहाँ पे कि व्लॉग तो शूट हो नहीं पाया, उसका भी मैं क्लिपिंग डाल रहा हूँ। फाइनली रात को 12 बजे आया घर पे, और आते ही घर पे सो गया। और नेक्स्ट डे यानी आज संडे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अभी मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अभी लैपटॉप पे एडिटिंग आधी हुई है, थंबनेल वगैरह मैंने रेडी कर लिया है सारा कुछ, और फटाफट से वीडियो रेडी करके मैं अपलोड करता हूँ। और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगा। सो इन सब के बीच में जितने भी मैंने एक्टिविटीज़ की, लाइक दशहरा देखने गया, उसके बाद मूवी देखने गया, फिर मेले में गया, तो सारा कुछ वो जितना भी था वो इंस्टा स्टोरीज़ के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर मैंने स्टोरीज़ के थ्रू उसे शेयर किया। तो जो व्यूवर्स मुझसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें तो पता है कि नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पे आने वाला है। तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर की वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे, एंड साथ ही साथ मेरे लाइफ स्टाइल का कि क्या कुछ कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारा कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।